अरे आप कौन? और आप अंदर किसी आए? हाँ, मैं तुम हूँ। मैं फ्यूचर 2050 से आया हूँ। मैं 2050 वाला गिरिजात्मक बहरा हूँ, एक्टर और सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, गिरिजात्मक बहरा। सही समझा? और अगर तुमने एक्टिंग के अलावा कोई और लाइन चुना तो तुम फ्यूचर में एक्टर नहीं रहोगे और इसका इफेक्ट मुझ पर पड़ेगा, समझ गए? मुझे अब क्या करना चाहिए? भगवान, कहाँ फंस गया मैं? अगर मैंने एक्टिंग नहीं की तो मैं फ्यूचर में सेलिब्रिटी नहीं बन पाऊंगा, और अगर मैंने सीए नहीं किया तो मम्मी पापा मुझ पर गुस्सा करेंगे। क्या करूँ? फंस गया मैं। अरे यार, हे भगवान, बचा ले। ओम नमः स्वाहा। पुत्र, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया। तो मैं तुम्हें एक ही चीज़ का सलाह दूंगा, जो भी करना है करो, जो करो जो दिल चाहे। अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर इतना चिंतित मत हो, अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। और उस फ्यूचर वाले एक्टर गिरिजात्मक बहरा को छोड़ो, अभी तुम्हें जो करने का मन कर रहे वो करो, जो दिल चाहे जो भी करो। अगर एक्टिंग करने का एक्टिंग करो, उसी हिसाब से तुम्हारा फ्यूचर वाला एक्टर चेंज हो जाएगा। अगर सीए बनना है तो सीए करो, उसी हिसाब से तुम्हारा जो फ्यूचर वाला एक्टर के अवतार में नहीं आता वो बस कन्वर्ट हो जाएगा, सीए बनकर आएगा, ठीक है? उसके बारे में चिंता मत करो। हे गाइस, आप कैसे हैं? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आई होप आप इससे कुछ अच्छा सीख पाए होंगे। अगर आप भी मेरी तरह फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित है तो चिंता छोड़िए, एंजॉय कीजिए, वो चीज़ कीजिए जो दिल चाहता है, ठीक है? तो हमें इस शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, इस एक्टिंग से हमें यह सीखने को मिला कि फ्यूचर के बारे में चिंता मत करो, फ्यूचर का प्लान नहीं, फ्यूचर को एंजॉय करते हैं, प्रेजेंट को प्लान करते, प्रेजेंट पे फोकस करो, उसी हिसाब से आपका फ्यूचर डिपेंड होगा, ठीक है? बाय। एक ज़रूरी बात, जाने से पहले अपना और अपने परिवार का इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं, क्योंकि आपका मौत कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल चीज़ होता है, ठीक है? तो सबसे पहले अपना इंश्योरेंस करवा लीजिए। और फिर और एक ज़रूरी बात, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, इसे जितने ज़्यादा शेयर करना है कर दीजिए।